असलकम वरहतल प्यारे दोस्तों ये दुनिया अल्लाह तबारक व ताल के नज़दीक एक मक्खी के पर के बराबर भी हैसियत नहीं रखती हर जी रूह ने मौत का जायका चखना है जब आँख खुलेगी तो कब्र में होगा कब्र या तो जन्नत के बाघों में से एक बाघ होगी या जहन्नुम के गढ़ों में से एक गढ़ा होगा आज जो वाक्य आप लोगों को दिखाने और सुनाने जा रहे हैं ये वाक्य सुनकर आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे ये वाक्य आपकी जिंदगी को बदल कर रख देगा आप लोग ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि जिंदगी बहुत थोड़ी है जबकि गुजारी जाने वाली जिंदगी का हिसाब बहुत ज्यादा होगा क्योंकि एक लड़की को मजबूरन सांपों के साथ दफनाना पड़ा जब आप लोग ये देखेंगे तो आप लोग ये जानकर हैरान हो जाएंगे ये सब कुछ जानने के लिए प्यारे दोस्तों वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा प्यारे दोस्तों लड़की को क्यों सांपों के साथ दफन कर दिया गया ये जानने से पहले आप लोगों को एक कबर खोदने वाले ने कबरों की खुदाई के दौरान उसने क्या क्या देखा वो बताते हैं प्यारे दोस्तों कबरें सांप बिच्छों का घर है रात को कबरों में खौफ का आलम होता है कबर खोदने वाले ने कहा मैंने देखा कि एक शराबी को दफनाते वक्त उसकी मैयत पर दर्जनों की तादाद में बिच्छू चिमट गए एक बुजुर्ग की कब्र की तैयारी में एक अनजानी ताकत उसकी मदद करती रही जब उसकी लहर तैयार हुई तो उसमें खुशबू फैल रही थी कुरान पाक के कारी की मैयत पाँच साल के बाद भी तरोताजा थी एक दीनदार औरत ने अपनी कब्र दुरुस्त करने की हिदायत दी थी जबकि एक ऐसी औरत की मैयत जब कब्रिस्तान में लाई गई जिसको कब्र ने कबूल करने से इनकार कर दिया मिला तीस साल गौर कन गुलाम मोहम्मद का कहना है यह कब्रिस्तान उत्तर प्रदेश का एक मशहूर कब्रिस्तान है वो दस साल का था जब से वो इस कब्रिस्तान में कबर खोदने के फराय सर अंजाम दे रहा है उत्तर प्रदेश की जामा मस्जिद के इमाम को जब हिंदुओं ने शहीद कर दिया तो घर वालों की हिदायत पर उसने कब्र को खोदना शुरू कर दिया गौरखुन का कहना थी मुझे ऐसा महसूस होने लगा जैसे कोई अनजान ताकत मेरी मदद कर रही है उस दिन इंतहाई गर्मी थी हर कोई पसीने से शराबोर था मगर इस इमाम की कब्र पर बादल का थोड़ा सा साया कर रहा था मुझे उस वक्त खुद पर हैरत हुई जब मैंने पंद्रह मिनट में कब्र को तैयार कर दिया इस दौरान मुझे किसी भी किस्म की थकावट का एहसास ना हुआ जब मैं लहत को तैयार कर रहा था तो अंदर से अजीब सी खुशबू आने लगी ऐसी खुशबू के जो मैंने आज तक महसूस ना की यह खुशबू ऐसी थी जो इंसान की रूह को ताजगी और खुशी फराहम करती। गुलाम मोहम्मद ने बताया कि कारी साहब का जनाजा पढ़ने के लिए पूरे मुल्क से लोग आए ये तादाद इस कदर ज्यादा थी कि बहुत से लोगों को कब्रिस्तान से बाहर रुकना पड़ा कारी साहब की कब्र पर रोजाना कई लोग कुरान पाक पढ़ने के लिए आते हैं जबकि अक्सर रात को उनकी कब्र से ऐसी रोशनी निकलती है जो पूरे कब्रिस्तान को रोशन कर देती है गुलाम मोहम्मद ने बताया कि एक आदमी रमजान के महीने में शराब पीता था शराब पीकर वो इस दुनिया से रुखसत हो गया जब वो आदमी मरा तो उसको दफनाया गया तो कुत्ते रोजाना उसकी कब्र पर आकर फूंकते, उसकी कब्र को उखाड़ने की कोशिश करते मालूम करने पर पता चला कि सिवाय इस इंसान के दुनिया की हर जी रूह को मैयत के चीखने की आवाज सुनाई देती है लिहाजा शराब पीने की वजह से फरिश्ते उसकी पिटाई कर रहे थे बरसात के मौसम में बारिशें इस कदर ज्यादा हुई कि बहुत सी कबरें नीचे बैठ गई गुलाम मोहम्मद ने बताया कि उनमें से एक कबर ऐसी थी जिसका जिस्म बिल्कुल तरोताज़ा था, था। मालूम करने पर पता चला कि यह एक स्टूडेंट्स की थी जो एक्सीडेंट की वजह से फोत हो गया ग़ुलाम मोहम्मद का कहना था कि एक दिन उसके बाप ने बताया इस जगह एक ऐसी औरत की भी कब्र मौजूद है जो इंतहाई नेक पाक दामन और अल्लाह तबारक वाली से मुहबत करने वाली थी उन्नीस में तेज बारिशों की वजह से इस कब्रिस्तान में इंतहाई पानी भर गया इस पाक दामन औरत की कब्र के सरहाने शगाफ पड़ गया जब गुलाम मोहम्मद का बाप इस जगह पहुंचा तो आवाज आई मेरी कब्र को दुरुस्त करो कहीं मुझे बेपर्दगी का सामना न करना पड़े गुलाम मोहम्मद के बाप ने बताया कि इस औरत का कफन बिल्कुल सही सलामत था ऐसा महसूस हो रहा था जैसे इस कब्र को अभी अभी खोदा गया हो गुलाम मोहम्मद का बाप एक ऐसी कब्र के पास से गुजरा जहां कुरान पाक की तिलावत की आवाज़ें आती वो बताते हैं कि मैं अक्सर कुरान पाक की तिलावत सुनने के लिए वहां पर बैठ जाता मालूम करने पर पता चला यह आदमी कुरान पाक का हाफिज था उसने एक मदरसा खोलकर बच्चों को तालीम देना शुरू कर दी उनके हाथों में हज़ारों की तादाद में बच्चों ने कुरान पाक को पढ़ा सन 2001 में तीन आदमी और एक औरत उस वक्त जल्जले की वजह से फोत हुए जब वो अल्लाह तबारक वताल की हदूद को करोस करने में मसरूफ थे जब इन लोगों की कब्रों को तैयार किया जाने लगा तो पाँच घंटे गुजारने के बावजूद भी इनकी कब्रें तैयार ना हुई नरम जमीन इतनी ज्यादा सख्त हो गई कि कुदाल चलाना मुश्किल हो गया जब लहर की तैयारी की जाने लगी तो अंदर से एक सांप नमोदार हुआ जिसको देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए फिर लोगों की मदद से इस सांप को मारा गया और तमाम कब्रों को तैयार किया गया जब इन लोगों को कब्र में उतारने लगे तो इनकी कब्रों के अंदर अचानक काले बिच्छू जाहिर हो गए जो तमाम की तमाम मैतों से लिपट गए ये मंजर देख लोग कानों को हाथ लगाने पर मजबूर हो गए कई लोग यह मंजर देख कर बेहोश हो गए आखिरकार अल्लाह अल्लाह करके लोगों को दफन कर दिया गया गुलाम मोहम्मद ने बताया कि एक दफ़ा उसे एक औरत की कब्र तैयार करने का कहा गया उस वक्त उसके वालिद भी जिंदा थे जब कब्र की तैयारी करने लगे तो कब्र की जमीन सुकड़ गई वो कहने लगा हम सुबह नौ बजे से शाम चार बजे तक कब्र को तैयार करते रहे कब्र के अंदर इंतहाई गर्मी थी मैयत को दफनाने अगले दिन कब्र से चीखों की आवाज़ें आने लगी मैयत कह रही थी मुझे बचाओ मुझे बचाओ गुलाम मोहम्मद ने बताया मालूम करने पर पता चला कि ये औरत अपने शोहर की नाफरमान थी ये औरत बनाव सिंगार करके बाजार जाती उसका शोहर जब उसे रोकने की कोशिश करता तो ये औरत उसके आगे जबान चलाती उसके सामने आवारा लोगों से मुस्कुराकर बात करती ऐसा लिबास पहनती कि अक्सर इसका जिस्म उरिया होता इस औरत का शोहर बहुत दीनदार जबकि अपनी वालिदा का फरमा बरदार था खानदान के लोग अगर इस औरत को समझाने की कोशिश करते तो ये उनसे भी झगड़ा करती इस औरत ने अपने शोहर की जिंदगी को अजीरन कर रखा था ग़ुला मोहम्मद ने एक आलिम से इस बारे में बात की तो उसने कहा कि अगर इस औरत का शोहर कब्र पर जाकर उसे माफ कर दे तो हो सकता है कि अल्लाह तबारक वतारा इसकी कब्र से को को हटा दे। ने कब्र पर जाकर इस औरत माफ कर दिया। चुनाचे फिर उस औरत की कब्र से आवाजें आना बंद हो गई इस औरत का शोहर जुमे के दिन इस कब्र पर आकर फातिहा खानी करता प्यारे दोस्तों अब हम आपको उस लड़की के बारे में बताते हैं जिसको सांपों के साथ दफना दिया गया उन्नीस की अखबार में ये किसी लड़की की मां ने बताया कि मेरी छोटी बेटी का जब इंतकाल हुआ उसे दफनाने के लिए जब कब्र की जानब लेकर गए तो उसकी कब्र के अंदर सांप जमा हो गए। जब दूसरी कब्र खोदी गई तो उस जगह भी ये सांप आ गए। कि जब तीसरी कब्र खोदी गई तो वहां पर भी ये सांप इकट्ठे हो गए सब लोगों पर खौफ तारी था वक्त काफी गुजर गया मगर कोई भी नई कब्र खोदने के लिए तैयार ना था ये माँ बताती है कि इसके बाद मेरी बेटी को सांपों के साथ ही दफन कर दिया गया मेरी बेटी को दफन करते वक्त सब लोग दहशत जदा थे इसलिए उसे इसी तरह फेंका गया था जैसे कोई कूड़ा करकट फेंक देता है लड़की की मां ने बताया मेरी बेटी पांच वक्त की नमाज अदा करती मगर वो लोगों को दिखाने के लिए बहुत ज़्यादा फैशन करती मैं जब भी उसे समझाने की कोशिश करती तो वो मेरी बातों पर ध्यान ना देती उल्टा मुझसे नाराज़ हो जाती खातिन जो आदमी अजाब कब्र का इनकार करे वो मुसलमान नहीं अजाब कब्र बरहक है हमें अल्लाह तबारक व ताल से अपनी गुनाहों की माफ़ी मांगते रहना चाहिए अल्लाह तबारक व ताल से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब को गुनाहों से बचने की तोफीक दे और कब्र के अजाब से हम सबों की हिफाजत फरमाए आमीन सुम आमीन